पियानो लेते हुए और अग्रेसिव यहाँ पर बढ़ रहे हैं मोनोलिथ की तरफ से। ऑलरेडी इनका अटैक अच्छा जरूर जा रहा है। एक हेज पहले यहाँ पर डिप्लॉय करा जाएगा, टोर्नाडो ट्रैप अनलकीली वहां जाएंगे। दिक्कत ये है मल्टी टारगेट अभी तक उनका क्लियर नहीं हुआ है, प्लस जो आइस गोलम यहाँ से क्लैन कैसल से निकले वो बहुत ज्यादा डैमेज देते हुए। द टाउन हॉल इज स्टिल अप और आखिरी इनविजिबिलिटी स्पेल भी उनका जाता हुआ। चांस है कि सामने वाले अपोनेंट्स के ट्रूप्स को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देंगे। क्वीन भी आगे बढ़ रही है 10 सेकंड हाथ में, ये तो हद से ज्यादा क्लोज जा रहा है। ड्रैगन बेयर भी बहुत ज्यादा प्रेशर में, बहुत ज्यादा कम है, 5 सेकंड हाथ में। टाउन हॉल क्या निकलेगा क्या नहीं, 1 सेकंड बचा और ये देखिए इस अटैक में अंदर, इस अटैक के अंदर काफी ज्यादा वैलियंट एफर्ट है। जस्ट बिकॉज स्टार्टिंग में थोड़ा सा वहां पर मैसअप हुआ था, उसकी वजह से थोड़ी सी चीजें अलग भी हो सकती थी। अगर सर यहाँ पर ट्रिपल सिक्योर करा वॉर उनकी तरफ हो जाएगी पूरी तरीके से, बिकॉज परसेंटेज गेम में भले ही यहाँ पर यू नो प्रोकिंग बहुत ही अच्छी रिकवरी लाजवाब मैं कहना चाहूंगा। और बाकी उन्होंने अपने जो यू नो बलून्स थे टारगेट तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, दे आर डिफेंस टारगेटिंग। मोनोलिथ तो गिर जाएगा, मोनोलिथ को गिराने में कोई दिक्कत नहीं है, बट एट दी एंड ट्रिपल इज द ओनली प्रॉब्लम जो कि यहाँ पर नहीं सिक्योर कर पाए। रॉयल चैंपियन इतनी सारी चीजें उनको टारगेट करनी है जो कि बहुत ज्यादा डैमेज देने वाली है। बाबिरिन किंग तब तक अग्रेसिव जाएगा और क्लैन कैसल के ट्रूप क्लियर आउट करते हुए फाइनली आज गोलम भी आ चुके। बढ़िया अटैक निकला है, 3 स्टार की मांग की और एक 3 स्टार निकाल दिया। 30 सेकंड हाथ में अभी भी बचे हुए और आसानी से एक 3 स्टार हाथ में आ जाएगा। इसका मतलब जैसे हमने मेंशन किया था, अब ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर तो बनेगा, जानते हैं अपन। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही अच्छी ओपनिंग है यहाँ पर इस समय चाचा ईस्पोर्ट्स के पास। तो टोटल ब्लिम भेजा गया, इसका मतलब टाउन हॉल तो यहाँ पर मेन टारगेट है। एयर सिटी माइन वहाँ पर आएगा, ठीक है, टाउन हॉल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज जब भी आप लून यू नो ब्लिंप लाते हैं उसमें सिंपल सी बात है, टाउन हॉल एक्टिवेट हो गया एक बार वो साथ अग्रेसिव यहाँ पर खेल रहे थे और इलेक्ट्रो हाउल डैमेज दे रहे हैं, नॉट द इलेक्ट्रो ड्रैगन। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रो ड्रैगन डैमेज देने लगे तो इंस्टेंटली यहाँ पर सिंगल टारगेट खत्म हो जाएगा। और देखिए वही हुआ, बट तनवर साहब सेलिब्रेशन ऑलरेडी चालू हो चुके। देखिए से मार्कोस ईस्पोर्ट्स भी हारी थी तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट बन जाती है इस वॉर के अंदर। फाइनली आरसी की एबिलिटी इस्तेमाल की गई, एक 3 स्टार के साथ स्टाइल में खत्म कर देंगे इस पूरे के पूरी चीज को। तनवर साहब क्या ही बढ़िया आउट्रो था इनका, स्टाइल में खत्म किया है पूरा का पूरा। अभी भी बहुत